अस्सलामुअलैकुम त्रिय स्टूडेंट, अब तक आपने पढ़ा सबक नंबर 3 तक और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, जब भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो चैप्टर के पढ़ाने से पहले, सवाल और जवाब से पहले, क्वेश्चन आंसर से पहले, मैं आपको हालात ज़िंदगी यानी कि राइटर के जो हालात हैं, उनकी जीवनी है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि इम्तिहान में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। और जितने क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी जीवनी यानी हालात ज़िंदगी से बनते हैं, इसमें तमाम चीज़ों को लिखे रहते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। जो खास खास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करना है, मैं वहाँ पर निशान लगा दूंगा, दायरा, उसको आप पढ़ लेंगे ध्यान से। और कभी भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में छूट गया हो तो आप आकर के हालात ज़िंदगी को देख सकते हैं ताकि तमाम वो क्वेश्चन मिल जाए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पढ़ रहे हैं इस सबक को, इस सबक का नाम क्या है, इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है, और इसके लिखने का लिखने वाले कौन है, जनाब वजीर आगा साहब। और एक चीज मैं आपको और सिखा दूं, ये जो इंशाइया है इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, ये क्या है, गजल है, नज़म है, अफसाना है, कहानी है, मजमून है, क्या है, तो आपको याद रखना होगा इसका नाम क्या है, मजमून। क्या है ये, मजमून है, आपको याद करना होगा ये क्या है, मजमून है। आइए शुरू करते हैं। वजीर आगा, वजीर आगा एक साथ नकाद, शायर और इंशाइया नगार हैं, यानी तीनों हैं। कौन कौन है, नकाद भी हैं, शायर भी हैं और इंशाइया नगार भी हैं, और ये अफसाना नगार नहीं है। इस बार के सेंटअप के एग्जाम में पूछा था कि वजीर आगा एक साथ क्या नहीं है, विकल्प दिया था नकाद, शायर, इंशाइया नगार और अफसाना नगार, चार चीज दिया था और पूछा था इसमें क्या नहीं है। स्टूडेंट आपको मालूम हो गया कि ये अफसाना नगार नहीं है, बल्कि ये क्या है, नक्काद है, शायर है, इंशाइया नगार है। 1922 में मौजूदा पाकिस्तान के सरगोधा के वजीर कोट इलाके में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, वजीर आगा, कहाँ पैदा हुए, वजीर कोट में पैदा हुए। और कब पैदा हुए, 1922 में, 1922 में आप पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम कहते हैं उच्च शिक्षा यानी कि ऊंची पढ़ाई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज व मजाह के मौजू पर पीएचडी किया। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में किस फन में इन्होंने पीएचडी किया, याद करना होगा तंज व मजाह पर उनका क्या पीएचडी किया है। और उसकी तहकीक मुकम्मल की, नकाद की हैसियत से उन्हें सबसे ज़्यादा एतबार हासिल हुआ। 1947 के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाकदीन में इनकी शनाख्त कायम हुई। उर्दू अदब में तंज मजाह, उर्दू शायरी का मजाज, नज़म जदीद की करवटें, तहकीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तसव्वुरात अक्ल व खिरद वगैरह इनकी एक मौजूई किताबें हैं। ये तमाम उनकी किताबों का नाम है। इनमें से किसी किताब का नाम डाल करके आपसे पूछ सकता है, विकल्प देकर कि किन की किताब है, आपको चुनना होगा। जी स्टूडेंट आगे देखते हैं कि वजीर आगा शायरी बिलखसूस नजर नगारी के लिए भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहने का एक ज़माना में सिलसिला कायम किया था। खुद नविश्त के शोबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़म आधी सदी के बाद लिखी है। उनका कुल्लियात लफ्ज़ों के छागल मशहूर है, लफ्ज़ों के छागल मशहूर हैं, ये उनकी किताब है। वजीर आगा मशहूर इंशाइया नगार भी हैं। इत्तफाक से उर्दू में इंशाइया की सिन्फी हैसियत के मुताल्लुक से, सिन्फी हैसियत के ताल्लुक से काफ़ी मुबाहिस सामने आए। एक हलके से दूसरे हलके के अख्तलाफात इस कदर शदीद हैं कि कारीन को फैसला करने में दुश्वारी होती है। कारीन कहते हैं पढ़ने वाले को, फैसला करने में दुश्वारी होती है। शायद इसी वजह से ज़रीफ़ाना मजामीन को इंशाइया कहने का एक चलन कायम हो गया। लेकिन वजीर आगा ने इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़र में रखकर इंशाइया के हदूद और दायरेकार मुतय्यन करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने खुद इंशाइया भी लिखे, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा उनके इंशाइयों के मजमू हैं, ये भी आप याद करना होगा।
चोरी से यारी तक, चोरी से यारी तक, और दूसरा किनारा, ये इनके इंशाइयों का मजमुआ है, आपसे इम्तहान में पूछा जा सकता है। ये स्टूडेंट आपने देख लिया, सुन लिया कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस। मैंने शुरू में कहा था कि आपके एक बुक के अंदर, कहकशा के अंदर, तीन किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं आप बताइए के नाम से, जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यही मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो बीबीआई क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा, और बाकी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे अपने वीडियो नंबर 2 में आपको मिलेंगे, जो सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। देखिएगा आपकी किताब के पेज नंबर 26 में ये क्वेश्चन मिलेंगे, आप बताइए के नाम से। सवाल में एक नंबर देखिए है, क्या इंशाया शेरी या नसरी है, क्या इंशाया शेरी है या नसरी है। तो शेरी और नसरी आप जानते होंगे, शेरी किसे कहते हैं और नसरी किसे कहते हैं, नहीं जानते इसको ध्यान से एक बार सुन ले, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। शेरी कहते हैं कि जो चीज़ को लाइन बाय लाइन नज़म के जरिए, नज़म के सूरत में सजा कर लिखेगा उसको शेरी कहते हैं, और जो बिल्कुल लगातार लिखा जाए उसको कहते हैं नसरी। तो पूछ रहा है क्या ये इंशाया शेरी है या नसरी है। आप देख सकते हैं चैप्टर को पढ़ के, ये एक मजमून है और ये नसरी सिंफ में, किस में है, नसरी सिंफ में है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, क्या इन शाया को दूसरी असनाफ अदब से इसका गैर रस्मी तरीका कार मुमैस करता है। मुमैस कहते हैं तमीज़ यानी अलग करता है। तो जवाब देंगे जी हाँ, मुमैस करता है यानी अलग करता है। अब देखेंगे सवाल नंबर 3, क्या इन शाया नगार, क्या वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है। 3 का नाम लिखिए स्टूडेंट, या आपको याद करना होगा, बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तनकीद, 2 इंशाइया, 3 नज़म नगारी, यानी ये तीनों से इनका ताल्लुक था और इन्होंने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, क्या इंशाइया नगार का मकसद जिद्दत तराजी है, जिद्दत तराजी मतलब होता है सख्ती पैदा करना। जवाब में है इंशाया नगार का मकसद है, मकसद जिद्दत तराजी नहीं है, नहीं सिर्फ आवाम को समझाना ही मकसद है, बल्कि जिद्दत और सख्ती मकसद नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, इंशाया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहने मन्नत है, किसकी रहने मन्नत है। जवाब है खुशगवार ताजगी की रहने मन्नत है, खुशगवार ताजगी के रहने मन्नत है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, वजीर आगा के 3 किताबों का नाम लिखिए, यह आपसे इम्तहान में पूछा जाता है। वज़ीर आगा के 3 किताबों का नाम लिखिए, 1 तंज़ व मज़ाह, 2 उर्दू शायरी का मजाज, 3 नज़म जदीद की करवटें। यह आपको रट लेना होगा, इम्तहान में पूछा जाता है ये किन की किताब है, तो आपको जवाब देना होगा कि वज़ीर आगा साहब की ये किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, क्या इंशाया शगुफ्ता मूड की पैदावार है, क्या इंशाया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। जवाब जी हाँ, शगुफ्ता मूड की पैदावार है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में, क्या इंशाया दूसरी सिंफ, दूसरी असनाब से अपने इख्तसार के बाइस अलहदा नज़र आता है। एक लफ्ज़ जवाब देंगे जी हाँ, अलहदा नज़र आता है। स्टूडेंट ये वो क्वेश्चंस रहे जो आपके किताब के अंदर क्वेश्चन बने हैं। अब आइए आपको जो आपने हालात ज़िंदगी पढ़ा उससे चंद क्वेश्चन निकलते हैं कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये आपको जानना है। तो सवाल नंबर 9 होगा कि वज़ीर आगा कब पैदा हुए, वज़ीर आगा कब पैदा हुआ, ऑप्शन अलीफ 1922, ऑप्शन बे 1923, ऑप्शन जीम 1924, ऑप्शन दाल में है 1925। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ 1922 में वज़ीर आगा पैदा हुए। जी स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में, वज़ीर आगा किस गांव में पैदा हुए, वज़ीर आगा किस गांव में पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ वज़ीरकोट, ऑप्शन बे बेतिया, ऑप्शन जीम लाल परसा, ऑप्शन दाल सिकटा। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ वज़ीरकोट में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, इंशाया क्या है। देखिए आपको मैंने शुरू बताया था इंशाया जो ये लफ्ज़ है, ये सबक है, क्या है। ऑप्शन अलिफ मजमून, ऑप्शन बे कसीदा, ऑप्शन जीम खाका, ऑप्शन दाल नज़म। सही जवाब अलिफ है, यानी कि इंशाया मजमून है, क्या है, मजमून है। अब आइए मैं आपको आपकी किताब के क्वेश्चन नंबर 12 से दिखाता हूँ कि वज़ीर आगा की 2 इंशाइये का नाम बताइए, जो मैंने आपको दिखाया था आपको जीवनी में हालात ज़िंदगी में, एक चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा। ये आपको याद करना होगा उनकी इंशाइया ही, क्या इंशाइया। अब आइए आपकी किताब में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रामर के ताल्लुक से आते हैं, और इसका जवाब भी देखिए लिखा होगा ऑप्शन इसके साथ लिखा होगा। सवाल नंबर में है
कि खाली जगहों को कौसैन में दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। कौसैन कह जाए जो ब्रैकेट यहाँ दिया ना, यहाँ ब्रैकेट यहाँ दो दिया ना ब्रैकेट, ये जिसमें दो चीज़ दिया है, इन दोनों में से एक आपको निकाल करके जो जगह खाली है वहाँ आपको भरना है। ये आपने बुक को खोलेंगे, आपके बुक में ये क्वेश्चन मिलेंगे। बुक आपको खोलेंगे तो आपको पेज नंबर 28 पर एक क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको देख कर भरना होगा। सवाल देखिए, सवाल अलिफ में दिया है, मकाले की बनिस्बत इंशाइनगार का ढांचा होता है, ये दो दिया है, इसमें एक आपको चुनना होगा। उसका जवाब आप नीचे देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। और बे में क्या है, इंशाइया और गज़ल के एक शेरी को में शेर में गहरे का एहसास होता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और जिम में दिया है, इंशाइया नगार तरीक़ार इख्तियार करता है। और दाल में दिया है, इंशाइया की सिफत मूड पैदावार है। ये आपने दाल तक क्वेश्चन देख लिया, जवाब देखिए। अगर अलीफ को खोजना है तो आपको भरना होगा, यहाँ पर क्या होगा, लचीला। बे में क्या है, ममासिलत। जिम में क्या है, गैर रस्मी। दाल में शगुफ्ता। इसको देख करके आप आराम से इसको भर सकते हैं जी स्टूडेंट। अब देखिए, देखिए सवाल नंबर दो में दिखा रहे हैं आपको हम इंशाइया। और सवाल नंबर दो में दर्जल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमला बनाइए। जिनसियत किसको कहते हैं, जमा लीजिए, जिनसियत कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकल जाए, यानी कि मुजक्कर मोनस उर्दू में बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकल जाए। इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है, जुमला मीन्स होता है सेंटेंस। इस तरह आपको वाक बनाना है कि मुकम्मल आपको यहाँ निकल जाए। देखिए लिखा है सवाल में, हयात मजमून आज़ादी सिंफ लिबास हुक्का इंशाइया, ये लफ्ज़ है ना, ये आपको सेंटेंस बनाना है। जो जवाब आपको यहाँ दे दिया गया है कि कैसे आपको बनाना है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर तीन में आपको क्या मिलेगा, मंदजर अल्फाज से जमा बनाइए, वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। यानी यहाँ पर सिंगुलर प्लुरल आपको बनाना है, यानी कि एक का दो बना है, दो का तीन बना है। तो वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को, जमा कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और प्लुरल। तो यहाँ लफ्ज़ क्या दिया है आपको, हद नक्श जाब्ता मजहर सूरत, और उसका वहाँ दिया हुआ है हद का जमा हदूद, नक्श का नकुश, और जब तक के जवाबित और मजहर के मजाहिर। और उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर चार में कि आपको दर्ज ज़ैल अल्फाज के जीद बनाना है। इस सब का जवाब आपको यहाँ मिला हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप आराम से वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या अपलोड भी कर सकते हैं। तो जवाब जो आपको मेन बुक किताब से है, यह आपको शुरू से पढ़ते चलना है ताकि आखिर में कोई आपको ग्रामर पढ़ने में परेशानी नहीं हो, और आपको फिर ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा में। देखिए दिखा है, ताज़ा रोशन हुस्न कुफ्र अर्ज तरक्की, ये इन अल्फाज का आपको ज़िद बनाना है। ज़िद कहते हैं अपोजिट को, यानी कि विलोम शब्द, हिंदी में विलोम बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं, और उसको उर्दू में हम ज़िद बोलते हैं या अजदाद बोलते हैं या मतजाद बोलते हैं। तो उसका जो जवाब है वहाँ पर लिखा हुआ है, ताज़ा का लिखा है बासी, रोशन का लिखा है तारीख, हुस्न का लिखा है कबह, और कुफ्र का लिखा है ईमान, अर्ज के समा, अर्ज मना होता है ज़मीन और समा मना होता है आसमान, और तरक्की के तनाजुली होता है। इन तमाम चीज़ों को आपको रटना होगा। अब आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँच में, मंदरजा अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ किसे कहते हैं स्टूडेंट, आपको ये तब आप पहले क्वेश्चन समझेंगे, वहाँ आपको समझाया कि जीन्स निकालिए यानी कि जाति निकालिए, स्टीलिंग पुल निकालिए, दूसरा मैं आपको कहा था कि जीद निकालिए यानी उसके मत के अपोजिट निकालिए, और तीसरा आया मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, सेम टू सेम नेम, जिसे बोलते हैं ना लड़का बेटा, लड़की बेटी, देखने में लफ्ज दो है लेकिन माना उसका एक आता है, वैसे ही नीचे दिया रहा है मुतरादिफ। यहाँ लिखा है सूरत, क्या लिखा है सूरत, उसके मुतरादिफ क्या होगा, शक्ल, ढांचा दिया है तो उसको बनाएंगे बनावट। तारीख अंधेरा, सयाह सहरा गर्द, अलहदा अलग, ये मुतरादिफ हो गया, यानी कि सेम टू सेम, यानी जो अलहदा का मन आएगा वो मन उसका आएगा। अब जो अब क्वेश्चन आपको 9 10 11 दिया गया था उसका ये आंसर शीट है, आप इसको मिला सकते हैं जो अभी आपको कंफ्यूज हो, डाउट हो। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, आज आपको हमने इतना पढ़ाया, चैप्टर नंबर 4 का मुकम्मल वो क्वेश्चन दिया जो आपको ऑब्जेक्टिव भी था और उसके बाद से ग्रामर भी थे। इंशाल्लाह इस तरह अगर आपने ख्वाहिश किया तो फिर दूसरी वीडियो लेकर मिलेंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।